ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ओडिशा का कोस्टल ओडिशा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। इंटीरियर ओडिशा में कुछ कुछ जगह में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो नॉर्थ वेस्ट वे अडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल एंड वे ऑफ बंगाल में था, वो अभी हमारा नॉर्थ वेस्ट वे ऑफ बंगाल कोस्टल ओडिशा का पास में ही है, अडजॉइनिंग कोस्टल ओडिशा का पास में ही है। तो इसका प्रभाव में अभी जैसा हमने पहले से ही बोला है कि बारिश चार पांच दिन तक कंटिन्यू करेगा, तो अभी पांच छह तारीख तक बारिश रहेगा इसका बाजू से, क्योंकि इसका स्लो मूवमेंट होगा। उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशा रे मध्यम धरणर वर्षा आसंता 24 घंटा रे राज्यर विभिन्न स्थान रे मध्यम धरणर वर्षा हेबो। कलाहांडी कंधमाल बलांगीर बरगढ़ बौद्ध गंजाम पुरी सोनपुर नयागढ़ रायगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज रे प्रबल वर्षा संभावना रही। यही जिला गुड़ी को पाई येलो वार्निंग जारी करा जाई छी। अगला 24 घंटा में उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश होगा और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी एक दो जगह करके होगा। कालाहांडी कंधमाल गंजाम अंगुल रायगढ़ गजपति बौद्ध बलांगीर नयागढ़ खुर्दा पुरी कटक जगत सिंहपुर ढेनकेनाल सोनपुर मयूरभंज केन्द्रपड़ा ये सब डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल एक दो जगह में करके वेरी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक तो जगह में होने का चांसेस है। फिशरमैन के लिए वार्निंग है, फिशरमैन को अगला 48 आवर्स के लिए समुद्र जाने के लिए मना किया है। मझेरे मझेरे 40-50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना थिबारु समुद्र भीतर को न जीवा को मत्स्यजीवी मान को बारण करा जाई छी। वर्तमान उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम केन्द्रीय एवं ओडिशा तथा उत्तर आंध्र उपकूल रे एहा सक्रिय रही छी। एहा सह जड़ित घूर्णिबलयटी समुद्र पतन ठारु 5.8 किलोमीटर जाए व्यापी। यह आउ एक घूर्णिबलय दक्षिण छत्तीसगढ़ अंचल रे रही। यह समुद्र पतन ठारु 7.6 किलोमीटर जाए व्यापी। लघुचाप सह ए घूर्णिबलय प्रभाव रे राज्य रे वर्षार परिमाण बढ़िबो। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।